कभी ऐसा हो सकता है कि अगर राइट चैनल में आवाज़ आ रहा है और सामने वाले बंदे ने लेफ्ट का ईयरफोन लगाया है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो में मतलब साउंड ही नहीं है। सो ये एरोली के ब्रिज से आपको रात के टाइम पे व्यू बहुत अच्छा मिलता है। तो भाई साहब, बात ऐसा है ना कि आज मैं अपने एक नए माइक को टेस्ट कर रहा हूँ। बिकॉज़ मैं ये माइक को इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना एक और हेलमेट रेडी कर रहा हूँ जिससे मैं मोटो ब्लॉगिंग कर सकूँ। ये जो गोप्रो का माइक अडाप्टर है, इसमें ये माइक डायरेक्टली लग जाता है। बिकॉज़ ये जो इसका साइड है, ये TRS साइड है, तो ये डायरेक्टली माइक अडाप्टर में लग जाता है। इसको TRS टू TRRS कन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि रोड कंपनी का आता है या और भी कंपनीज के आते हैं। नॉर्मली मेरे पास जो है वो रोड का है। अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ चेक कर सकते हो जिसमें मैंने अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में बात की है। अब मुझे बस ये माइक से ना थोड़ा सा एक डर लग रहा है कि मैंने ना ये माइक का बहुत सारा रिव्यू सुना लोगों से कि ये जो है सिर्फ लेफ्ट चैनल में साउंड करता है, राइट चैनल में साउंड इसका आता नहीं है जब भी हम कुछ बात करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने माइक को एकदम सही तरीके से सेट कर लिया है और प्रॉपर केबलिंग वगैरह सब टाइट कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इशू होना चाहिए। आई नो तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ये देख के बहुत कंफ्यूज रह गए कि ये मैंने ऐसा थैली क्यों बांध के रखा है। तो आपको बता दूं कि ये दोनों स्पीकर है, इसका कंट्रोलर ये है, तो इस पर ये तो वाटरप्रूफ है, इसका टेंशन नहीं। ये भी वाटरप्रूफ है, बट सेफ्टी पर्पस मैंने थैली बांध के रखा है ताकि बारिश आए तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। और आपको भी पता है मुंबई में जो है छुटपुट बारिश हो रही है। छुटपुट मतलब कि कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी हल्का सा एक दो बूंद गिरता है, कभी ज़्यादा होता है। सो मैंने बांध के रखा है सेफ्टी के लिए। कभी रात में या कभी भी ज़ोर से हो गई तो यार तब तो उठ के जा नहीं सकता ये बांधने के लिए। सो मैं इसको बांध के ही रखता हूँ और ये बारिश तक प्रोबेबली बांध के ही रखूँगा ताकि मेरा स्पीकर्स ख़राब ना हो। भाई साहब, ये तो ऐसा लग रहा है इनको देख के कि ये कहीं टूर वूर पे निकल रहे। दोनों साइड पैनियर, स्टॉप बॉक्स वगैरह सब कुछ लगा है। हाँ, आई नो कि ये जो है आई थिंक बाइक के साथ वाला ही है क्योंकि ये स्टड्स वगैरह कंपनी का लग रहा है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये जो माइक अभी मैं प्रेजेंटली यूज़ कर रहा हूँ अपने इस स्टड वाले हेलमेट में, जिसमें मुझे TRS कन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लग गया है GoPro के माइक अडाप्टर में। तो ये जो माइक है, GoPro यूज़र्स यही माइक यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी माइक मुझे मुंबई बैक जोन ने सजेस्ट किया था। सो मैंने ये माइक लिया है, बट ये माइक के बारे में मैंने बहुत लोगों से थोड़ा पूछताछ किया तो मुझे समझ में आया कि लोगों का बोलना ये है कि ये जो माइक है ये लेफ़्ट चैनल या राइट चैनल किसी एक चैनल में साउंड रिकॉर्ड करता है। तो जब भी हम ये वीडियोस अपलोड करते हैं या ये करते हैं, तो अगर आप ईयरफोन लगा के रखे हो तो आपके एक ही साइड के ईयरफोन में आवाज़ आएगा, बिकॉज़ वो लेफ़्ट चैनल या राइट चैनल में किसी एक में आवाज़ आएगा। सो उसका भी कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो तो अभी चल ही रहा है, अगर इन केस मुझे एडिटिंग के टाइम ये समझ में आता है कि किसी एक चैनल में वॉइस आ रहा है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इसको जो है अपने एडिटिंग के थ्रू दोनों चैनल में वॉइस कर दूँ। और अगर नहीं हो पाएगा तो ये वीडियो को सिंपली मैं एंड कर दूँगा, ज़्यादा लंबा खींचूँगा नहीं इस वीडियो को, क्योंकि आई नो कि कभी ऐसा हो सकता है कि अगर राइट चैनल में आवाज़ आ रहा है और सामने वाले बंदे ने लेफ़्ट का ईयरफोन लगाया है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो में मतलब साउंड ही नहीं है। सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ लेना, अगर ये वीडियो छोटी ही रहेगी तो आप समझ जाना कि इसके किसी एक चैनल में वॉइस है, इसकी वजह से ये वीडियो को मैंने शॉर्ट कर दिया एकदम। ये एरोली के ब्रिज से आपको रात के टाइम पे व्यू बहुत अच्छा मिलता है।
पर मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि ये ब्रिज पे लोग, ये जो साइड में चलने के लिए जगह है, यहाँ से लोग पैदल चल के आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं शाम के समय में। एक ही चीज़ का टेंशन है, वो मेरे वॉइस का, कि पता नहीं वो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। और वो जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि इसका एक चैनल में वॉइस रिकॉर्ड होता है, लेफ्ट या राइट किसी एक में, तो उसका भी मैं एडिटिंग के टाइम देख लूँगा, अगर हो सका तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा तो इस वीडियो को मैं छोटा करके एकदम 2-3 मिनट का ही वीडियो बना दूँगा। बाकी तो सब बढ़िया है। सो विद दैट सेड, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा। पर मैं समझा नहीं ये भाई क्या इशारा किया। ऑलराइट, तो आई होप कि आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आया रहेगा। तो यार, वीडियो में अगर कुछ भी चीज़ पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी। बाकी सब तो बढ़िया है। सो विद दैट सेड, चलते हैं आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो फिर मिलेंगे अच्छे से किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम, बाय बाय।